देखो क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी हम लोग 85 तक कल कर लिए थे, ठीक है ना? समय ना 85 तक पूरी तरह प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। फिर भी किसी को कोई डाउट लगता है कि सर 85 के अलावा है, ये डाउट है मेरा, मतलब तो पूछ सकता है, मेरे से बोल सकता है, मैं उसको शेयर कर सकता हूँ। 85 से पहले किसी को दोबारा कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरे को बता दो। 85 से पहले, 85 से पहले कोई ऐसा क्वेश्चन है जो दोबारा मुझसे कोई पूछना चाहता है तो बता सकता है। कोई भी 85 से पहले का जो प्रॉब्लम है, कोई है क्वेश्चन कि चले आगे? कोई है क्वेश्चन? अरे है कि नहीं है बताओ। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86, 86 से स्टार्ट करते। चलो ठीक है, जो क्वेश्चन दे दिया कि एन इंटरेस्टिंग हेट्रोसाइक्लिक, मतलब हेट्रोसाइकिल दे दिया है, ठीक है, क्लियर? मतलब दो टाइप का, डिफरेंट टाइप का साइक्लिक कंपाउंड है, इज प्रिपेयर्ड बाय अ रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है, ये प्रोडक्ट की बात कर रहा, सॉरी, एन इंटरेस्टिंग हेट्रोसाइकिल, ठीक है, एक हेट्रोसाइकिल प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है जिसके लिए हमें रिएजेंट दे दिया है। तो हमें पूछा है कि कौन सा जो है, और ट्राई टू फॉलो ईच स्टेप, नॉट जस्ट गेस गेस द आंसर, मतलब ये एक इंस्ट्रक्शंस के लिए दे दिया गया कि आप डायरेक्टली जो है वो सही से फॉलो करो, सिर्फ ऑप्शन को गेस मत करो। तो चलो, O3 दिख रहा है क्या करोगे? O3 दिख रहा है क्या करोगे, जल्दी बताओ। O3 दिख रहा है तो क्या करोगे? O3 दिख रहा है तो क्या करोगे? ओजोन लाइसिस करोगे। लेकिन ये साथ में क्या दिया है, मतलब ये सल्फर का बॉन्ड क्यों दिया, इथर टाइप का क्यों दिया, थायो इथर क्यों दिया, रीजन क्या है? थायो इथर देने का कोई रीजन मुझे बता सकता है कि सर थायो इथर इसलिए दिया गया है, कुछ रीजन है? कोई बता सकता है कि थायो इथर क्या क्यों दिया गया है? कोई बता सकता है थायो इथर देने का लॉजिक, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? देखो, अगर थायो इथर दिया हो मतलब ये रिडक्शन वाला केस है, मतलब देखो जो ओजोन लाइसिस करते हैं उसमें ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस भी हो सकता है और रिडक्टिव ओजोन लाइसिस भी हो सकता है। तो यहाँ जो ओजोन लाइसिस करवाने की कोशिश की है वो तुम्हारा कौन सा है, जल्दी बताओ, वो कौन सा ओजोन लाइसिस है? वो आपका रिडक्टिव ओजोन लाइसिस है, इसलिए हमें ये थोड़ा सा पॉइंट आउट किया है। बिकॉज आपको पता है कि ओजोन लाइसिस में अगर जिंक लोगे तो ही ये एल्डिहाइड तक रुकेगा, अगर आप जिंक नहीं लोगे तो वो सीधे एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब तुम्हारा देखो, अब क्या करोगे, ये एमोनिया है, अब क्या करोगे, अब सोचो, अब एमोनिया है क्या करोगे, एमोनिया है तो क्या कर सकते हैं, सोच के बताओ, एमोनिया है तो क्या कर सकते हो, बोलो, एमोनिया है तो क्या करोगे? चलो देखो, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देखो, ये जो एमोनिया है ये क्या करेगा, NH3 है, ये लोन पेयर जाएगा, अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खुल जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा बन जाएगा कार्बन, और ये बन जाएगा OH, और ये बन जाएगा NH2, ठीक है, क्लियर है, और ये C डबल बॉन्ड O है, और ये फिर फर्दर पानी निकल जाएगा। अब पानी निकलने के बाद फिर एलिमिनेशन भी हो जाएगा, बिकॉज देखो यहाँ हीट दिया है, मतलब हीट नहीं भी दिया है, बट यहाँ देखो ऑब्जर्व करो, कोई प्रोडक्ट में OH नहीं है, तो कोई प्रोडक्ट में OH नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई हम लोग को एलिमिनेशन भी करवाने के लिए बोल रहा है, मतलब इसके बाद क्या कर रहा है कि एलिमिनेशन भी करवाने के लिए हम लोग को फोर्स किया जा रहा है। फिर फर्दर एलिमिनेट हो जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो आपको साफ दिख रहा है कैसा प्रोडक्ट दिखेगा, तुम्हारा एक कार्बन रहेगा, दूसरा कार्बन, एक कार्बन, अच्छा यहाँ एक थोड़ा सा एक कार्बन घटा दिया मैंने, एक कार्बन तुम ले लो, एक कार्बन ले लो और इधर ले लो, और इधर डबल बॉन्ड, तुम्हारा डबल बॉन्ड किधर आ रहा है, डबल बॉन्ड तुम्हारा इन दोनों के बीच में आ रहा है, ओके, और ये फिर OH निकल जाएगा तो क्या होगा, OH निकल जाएगा तो कैसा डबल बॉन्ड आएगा, लगातार डबल बॉन्ड के फॉर्म में जो आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो चेक कर लो 86 का जो ऑप्शन है वो कौन सा आना चाहिए, बी आना चाहिए, देखो साफ दिख रहा है कौन सा आएगा, बी ऑप्शन जो है वो निकल के आ जाएगा, क्लियर। एक कार्बन यहाँ और है, चिंता नहीं है, यहाँ एक कार्बन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ डबल बॉन्ड जो है वो तुम्हारा आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंगली जो है ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, एक कार्बन दो कार्बन, ठीक है, क्लियर है, एक कार्बन दो कार्बन, और इधर तुम्हारा तीन कार्बन, तीन कार्बन भी है, और अल्टरनेट पाई बॉन्ड आ गया, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे करेंगे, जल्दी बताओ, यहाँ देख लेना, यहाँ मैंने एक कार्बन थोड़ा यहाँ ध्यान से चेक कर लेना, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कैसे करोगे जल्दी बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे करोगे, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको कि फिर से बताऊं, क्लियर है या फिर से बताऊं, क्लियर है या फिर से बताऊं, जल्दी बोलो, फिर से बताना है क्या, बोलो, रिस्पॉन्ड करो, चलो ठीक है, नेक्स्ट, हर्ष क्लियर है, अंकित क्लियर है,
चलो 87, ठीक है 87 में देखो, एबव कन्वर्जन कैन बी अचीव्ड, क्या होगा इसका आंसर? 87 का आंसर आप लोग खुद दो यार, इतना इजी क्वेश्चन का आंसर अगर मैं देने लगूंगा तो आप लोग पढ़ाई कैसे करोगे बताओ? 87 का आंसर क्या होगा जल्दी बोलो, 87 का आंसर क्या होगा, 87 का आंसर क्या होगा जल्दी बताओ, 87 का आंसर क्या होगा? कौन कौन बी लग रहा है कमेंट यस कर दो, कौन जिसको इसको बी लग रहा है कमेंट बी कर दो, मतलब यस कर दो फटाफट, क्या होगा तो जल्दी करो प्लीज, आप लोग मतलब इतना छोटा क्वेश्चन में अगर टाइम लगा दोगे तो कैसे चलेगा? बी ठीक है क्लियर है, और कोई और सब लोग, और प्रणव अंकित आफरीन, चलो ठीक है क्लियर है। देखो ये कीटोन है, कीटोन से हम लोग को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, ये तो ईस्टर है, ईस्टर को हम लोग को तो कन्वर्ट करना नहीं है, तो NaBH4 हो जाएगा, ला लेते तो सबका हो जाता, अगर ला लेते तो क्या होता प्रोडक्ट, ला लेते तो क्या होता प्रोडक्ट, ला लेते तो क्या लेता OH होता, और ये तुम्हारा क्या होता, ये तुम्हारा CH2OH हो जाता ठीक है, और उधर भी तुम्हारा क्या होता CH3OH हो जाता, ये सबको ऑलरेडी आइडिया है कैसे होगा, चलो ठीक है ला लेते तो 88 का आंसर बताओ, 88 का आंसर आप लोग कमेंट करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, 88 का आंसर बताओ क्या होगा, 88 का, 88 का कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग। गिव द मेजर प्रोडक्ट, ये ला आपने लिया है, ये ला लिया है तो ये ईस्टर है, चलो ठीक है ईस्टर के बाद ये फिर से रिएक्शन करवा रहे हैं, ये अलग है, इसको ए पकड़ लो इसको बी पकड़ लो, फाइनल प्रोडक्ट पूछा है ठीक है, तो ए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये तो ईस्टर है तो ईस्टर को जब करो आप लोग, खुद से करो, खुद से करके बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, खुद से करो आप लोग कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आ रहा है आप लोग का जल्दी बताओ, कौन सा आ रहा है, ए, अच्छा चेक कर लो फटाफट कौन सा आंसर आ रहा है, हर्ष तुम्हारा क्या आ रहा है, कोनिका तुम्हारा क्या आ रहा है, सी ठीक है, तो कॉन्फिडेंटली बोलो ना सी, मतलब ये हर्ष तुम्हारा क्या आ रहा है, चलो अरे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते, हमको समझ में नहीं आता, आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं आप लोग गूंगे की तरफ क्यों रहते हो यार, रिस्पॉन्ड करो ना हर्ष, क्या हो गया इतना एनर्जी तुम्हारा डाउन क्यों है आजकल, हाँ क्या होगा ये, पहले क्या करेगा इसमें ला कैसे कर? देखो ऐसे करोगे तो मैं वर्कशॉप नहीं करवाऊंगा यार, एनर्जी नहीं है, अगर आप लोग के अंदर आप लोग बोलोगे नहीं ऐसे मूर्ति की तरफ बैठे रहोगे तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ, क्या पहला स्टेप क्या होगा जल्दी बताओ, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, OH और CH2OH में, चलो पहला स्टेप में क्या होगा, देखो आप लोग रिस्पॉन्ड करो, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगा, चलो सबसे पहले ये क्या होगा CH2OH हो जाएगा और ये CH3OH हो जाएगा ठीक है क्लियर है, दोनों जो है तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा क्लियर है, चलो ठीक है ओके ओके ये हो गया क्लियर है, चलो उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो ये अल्कोहल बन गया, फिर क्या करें, फिर क्या होगा, फिर क्या करें, फिर कैसे होगा, अच्छा इस रिएक्शन का नाम क्या है, कोई मुझे बता सकता है, ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो इस रिएक्शन का नाम क्या बोलेंगे, कोई मुझे बता सकता है, विलियमसन ना, और कोई, और कोई, ये एक ईस्टर है, ये एक ईस्टर है और ये एक अल्कोहल है, तो आप एक ईस्टर से दूसरे ईस्टर में कन्वर्ट कर रहे हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, याद करो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, याद करो कैसे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, याद करो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, किसी को याद है, एक ईस्टर से दूसरे ईस्टर में कन्वर्ट करना, किसी को याद है क्या बोलते हैं उसको,
एक ईस्टर को दूसरे ईस्टर में कन्वर्ट करना, किसी को याद है क्या बोलेंगे उसको? किसी को याद है? हाँ बिल्कुल, ट्रांस एस्टरीफिकेशन। सब पढ़ा चुका हूँ यार, अब तो क्या कर रहे हो, रिविजन करते, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर वापस आके इसको भगा देगा। मतलब क्या करेगा ये तुम्हारा, ओ के साथ सी एच टू, फिर एक साइक्लोहेक्सेन का रिंग, ऑप्शन सी। ये ट्रांस एस्टरीफिकेशन का पार्ट है, एक ईस्टर से दूसरे ईस्टर में कन्वर्ट करना, लो बॉलिंग पॉइंट ईस्टर से हाई बॉलिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना, उसको ट्रांस एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन तुम्हारा सी आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किसी का सी आया था क्या? किसी का सी आया था? 88 का सी आया था आंसर, किसी का आया था? 88 का सी आया था? ना सर, हां तो बैठो। चलो ठीक है, 89। तो कब पता करोगे नाम, रिवीजन कब करोगे? चलो 89 का आंसर क्या होगा जल्दी करो, 89 का आंसर क्या होगा सोच के बताओ। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा बट ठीक है, जल्दी बताओ 89 का क्या होगा। देखो यहाँ दो टाइप से हो सकता है, सबको समझ में आ रहा है? इसका रीजन क्या है, ये क्या होगा तुम्हारा, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन के बाद ये क्या होगा, इधर भी अपने आप खुल सकता है कार्बोकैटायन, और इधर भी खुल सकता है एसिडिक मीडियम में, इसीलिए। तो तुम देखो ऑब्जर्व करोगे तो एक बार अगर होगा तो ये सीएल इधर आएगा और ये ओएच इधर आएगा, ठीक है, क्लियर है? और इसके साथ क्या जुड़ा रहेगा, फिनाइल जुड़ा रहेगा, और तुम्हारा क्या होगा, फिनाइल ये तुम्हारा डैश पे होगा और ये तुम्हारा वेज पे होगा, और इधर तुम्हारा क्या होगा, इधर अगर देखोगे तो ये डैश पे होगा एच, और ये तुम्हारा क्या होगा, वेज पे होगा, ठीक है, क्लियर है? ऐसा मेंशन कर दिया है। और दूसरी बार करोगे तो ये क्या रहेगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा अगर तुम देखोगे तो OH इधर रहेगा, तो ये तुम्हारा क्या रहेगा, ये तुम्हारा वेज पे रहेगा और ये तुम्हारा डैश पे रहेगा, और ये डैश पे रहेगा, ये वेज पे रहेगा। तो ये हम लोग का पूरा जो है वो पूरा प्रोसेस रहेगा, राइट? हाँ ना, जल्दी बोलो, हाँ ना रहेगा, जल्दी बोलो रहेगा ना, हाँ ना, क्लियर है? चलो अच्छा अब बताओ क्या हुआ, अब बताओ क्या हुआ, मतलब ये दोनों आइडेंटिकल है या मतलब स्टीरियो आइसोमर है, आइडेंटिकल है या मिरर इमेज है, आइडेंटिकल है या मिरर इमेज है, आइडेंटिकल है या मिरर इमेज? ये तुम्हारा वेज पे क्या है, वेज पे तुम्हारा फिनाइल है और ये हाइड्रोजन है, जल्दी बताओ क्या होगा, सोच के बताओ 89 का आंसर क्या होगा, आइडेंटिकल है या डाइसोमर है? देखो अगर तुमको कभी दिक्कत हो तो तुम एक काम करना, तुम कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लेना। अगर एग्जाम में कभी तुमको शंका लगे, खास करके आईआईटी में क्या होता है, बच्चों को डर लगता है कि अरे यार थोड़ा सा साफ दिख नहीं रहा है, तो ऐसे केस में आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लो कि आर है या एस है, उस अकॉर्डिंगली तुम अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब देख लो कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लो, वेज का डैश हो गया, डैश का वेज हो गया, उसके अकॉर्डिंगली तुमको समझ में आ जाएगा। तो अभी तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन निकालो, ये जो कार्बन पे अटैच्ड है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो ध्यान से, ये नंबर वन है और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा नंबर टू हो गया और ये नंबर थ्री हो गया, ये नंबर फोर हो गया, वन से थ्री भाया टू, वन से थ्री भाया टू, तो ये तुम्हारा क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एस आना चाहिए, बट लोएस्ट पार्टी ग्रुप क्या है तुम्हारा, वेज डैश की जगह वेज पे, तो इसका क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज एस आ रहा था तो ये आर हो गया। चलो इसको निकाल लेते कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्या होगा, वन हो गया, इधर टू हो गया और इधर तुम्हारा थ्री हो गया, इधर फोर हो गया, वन से थ्री भाया टू, वन से थ्री भाया टू, क्लॉकवाइज आ रहा आर, ये दोनों आर आर है, मतलब ये दोनों आइडेंटिकल आने वाला है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, सी हो गया, क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है, हाँ है ना, क्लियर है, जल्दी बताओ क्लियर है सबको, क्लियर है, हाँ है ना, क्लियर है सबको? ऐसे आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लो, हर्स ऐसे केस में क्या करना है, हर्स कोनिका ऐसे केस में क्या करना है कि आप बस कॉन्फ़िगरेशन निकाल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आपको इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है? समझ गए पक्का? ठीक है चलो, क्लियर है सबको? तो ऐसे केस में लिख लो बगल में, जब भी प्रॉब्लम हो आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लो, ये आप आइडिया करोगे तो आपका एडवांस में प्रॉब्लम रॉन्ग नहीं होगा, बिकॉज एडवांस में फंसा देते हैं ज्यादातर आइडेंटिकल वाले केस में, तो आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लो, आप सेफ साइड रहोगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी एक्सपेक्ट द रिएक्ट मोस्ट रैपिडली विद मिथेनॉल, ठीक है, टू गिव द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन कौन सा ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोस्ट रैपिडली विद द मिथेनॉल टू डू द फॉलोइंग रिएक्शन? और कोई सी एक्सपेक्ट रिएक्ट मोस्ट रेडली,
रैपिडली का मतलब क्या है? रैपिडली का मतलब क्या है? रैपिडली का मतलब क्या है? फास्ट या स्लो? रैपिडली का मतलब फास्ट या स्लो? फास्ट। अच्छा, यहाँ एक बात बताओ, मिथेनॉल के साथ रिएक्शन हो रहा है, HBr बना रहा है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ तो कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। अब कैसे सोचे थोड़ा मेरे को बताओ तो। देखो ये वाले में तो नहीं होगा, ना SN1 होगा ना SN2 होगा, क्योंकि ये एराइलिक हैलाइड है। तो एराइल हैलाइड में क्या होता है? एराइल हैलाइड में तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा रेजोनेंस कर रहा थी, तो ब्रोमीन हटेगा नहीं कभी। तो क्या करे हर्ष, SN1 ले या SN2 ले, फिर क्या करे बताओ, क्या तरीका रहेगा, क्या लिया जाए? देखो यहाँ साफ दिख रहा है कि आपने मिथेनॉल लिया है। मिथेनॉल क्या है, एक बेस है, अच्छा बेस, मतलब एक मॉडरेट टाइप का बेस आप बोल सकते हो, बट ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, क्लियर है। साथ में अगर हम लोग यहाँ एलिमिनेशन नहीं करवा के सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। देखो ऐसे तो खैर इसमें कुछ मेंशन और करना चाहिए था, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और देना चाहिए था IIT को, मतलब इन द सेंस ये सीट को देना चाहिए था थोड़ा और इंफॉर्मेशन कि यार आप थोड़ा सा सॉल्वेंट वगैरह मेंशन कर दो, बट यहाँ और कुछ हम नहीं दे रहे। तो हम देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अम्बिगस है। देखो अगर मैं एग्जाम में रहूंगा तो मैं तो SN2 मारने वाला था, ठीक है, क्लियर है। बट यहाँ क्या है कि यहाँ 3 डिग्री वाला काफी ज्यादा अवेलेबल है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अम्बिगस हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्वेंट वगैरह को दिया जाएगा। अगर SN1 देगा तो सी मारेंगे, और अगर SN2 देगा तो हम लोग बी मारेंगे। तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा अम्बिगस हो जाएगा, तो इसको लेके बहुत ज्यादा चर्चा विषय करने की जरूरत नहीं है। 91 पे आते हैं, चलो 91 पे आते हैं। 91 पे 1 propanol एंड 2 propanol कैन वी डिस्टिंग्विश, जल्दी बताओ कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? कुछ चेक कर सी, कितने लोगों को सी लग रहा है चेक करके बताओ, कितने लोगों को सी लग रहा है चेक करके बताओ। क्या होगा जल्दी बताओ, क्या होगा जल्दी बोलो, क्या होगा? सही है सी। सी किन लोगों को सी लगा? अंकित तुम्हारा क्या आ रहा है? प्रणव तुम्हारा क्या आ रहा है? यस सर, सी से हो जाना चाहिए। सी से हो जाना चाहिए, अच्छा सी से हो जाना चाहिए। हाँ, एक रेड प्रेसिपिटेट देगा और एक नहीं देगा। चलो ठीक है, एक बन जाएगा तुम्हारा प्रोपानॉल है, तो एक बन जाएगा एल्डिहाइड, राइट, प्रोपानॉल बोला सॉरी, एक बन जाएगा एल्डिहाइड, प्रोपानॉल बन जाएगा, और एक बन जाएगा प्रोपॉन टू ऑन, राइट, है ना। तो देखो ये वाला हाँ, तुम्हारा कीटोन है और ये वाला तुम्हारा एल्डिहाइड है, फेलिंग सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ Cu2O का रेड पीपीटी देता है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी आ जाएगा। तो 91 का तुम्हारा सी सही है। अच्छा, वन क्यों नहीं हमने किया? वन वाले में क्या हो गया? वन वाले में ऐसा क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक बना देता, एक कार्बोक्सिलिक बना देता और एक कीटोन बना देता, ओके। 92 आप लोग खुद देखो, 92 आप लोग खुद देखो फटाफट, 92 आप लोग खुद देखो, 92 खुद देखो, आप लोग 92 खुद देखो। सी, चलो देखते हैं ये क्या है, KMnO4 और ये। चलो देखो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूँ, ठीक है, क्लियर है, तब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो यहाँ KMnO4 दे दिया है और KOH दे दिया और H2O हॉट दे दिया है, ठीक है। कैसे करोगे, कैसे सोचोगे बताओ, कैसे सोचोगे? देखो सबसे पहले बेंजीन पे जो भी कोई ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, कैसा भी ग्रुप हो, अगर इसको आप हॉट KMnO4 के साथ करवाओगे, हॉट KMnO4 के साथ करवाओगे, तो ये सीधे बेंजोइक एसिड दे देगा। ये आपको हमेशा याद रखना है, एक्सेप्ट ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 3 डिग्री होगा तो ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी हो चलेगा। तो देखो ये बेंजीन है, इसको रहने दो, इसके साथ ये पूरा ब्रेक हो जाएगा, CHH बन जाएगा, तो ऑप्शन बी तुम्हारा होगा।
लेकिन मैं इसके साथ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता हूँ. बी बी नॉट सी बी 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 नॉट सी हीट किया ना तो उसके बाद पानी नहीं निकल सकता. देखो अगर हीट कर रहे हो देखो दो कार्बोजेनिक है. हाँ यहाँ हीट ठीक है मतलब यहाँ देखो थोड़ा सा मतलब बिकॉज हीट ये हॉट के मतलब फोर्क के साथ ही निकल जाएगा. इसके लिए फर्दर हीट के लिए ये थोड़ा सा देखो जो मेरे पास जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा बी आंसर लिखा है बट इसका सी भी हो सकता है. ठीक है क्लियर है क्योंकि चांसेस है क्योंकि ये हीट तुम्हारा ठीक है. ये थोड़ा सा मैं बोला कुछ कुछ क्वेश्चन तुमको ऐसा मिलेंगे. ये देखो जनरली होता है बच्चों का डेवलपमेंट के लिए तो ऐसा मिल सकता है. खैर कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आईआईटी में ऐसा नहीं आता. आईआईटी में बवाल हो जाएंगे अगर ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में आएंगे तो वो लोग पागल मतलब क्लेम ही कर देंगे. देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोल्ड के अगर आपने एक अल्कीन को कोल्ड के साथ रिएक्शन करवाया कोल्ड के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या होगा मेरे को बताओ. कोल्ड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा कोई जल्दी से बताओ. OH कैसा एडिशन होगा वो कैसा एडिशन होगा. सिन एडिशन होगा. ओके लेकिन अगर मैं हॉट केमनोफोर के साथ करवा दूं हॉट केमनोफोर के साथ करवा दूं तो क्या होगा. देखो इसका तरीका होता है अगर दोनों हाइड्रोजन है हॉट केमनोफोर के साथ करवाओगे तो दोनों CO2 बन जाएगा. प्लीज इसको अच्छे से कॉपी में लिख लें. ऐसे मैंने कॉपी में पढ़ा रखा है आप लोग को. अगर एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है मतलब एक अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है तो जो जहां जहां हाइड्रोजन है वो वाला एसिड बन जाएगा. तो ये बन जाएगा CH3COOH. एक भी हाइड्रोजन है तो वो बन जाएगा एसिड. ठीक है क्लियर है. अच्छा एक हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक तुम्हारा मिथाइल वाला है तो जहां दो हाइड्रोजन है वो बन जाएगा CO2 और जहां एक हाइड्रोजन है वहां बन जाएगा एसिड. ठीक है क्लियर है. और अगर दोनों मिथाइल है ध्यान से सुनना. अगर दोनों मिथाइल है तो उस केस में क्या होगा. कीटोन बन जाएगा. क्या बन जाएगा कीटोन बन जाएगा. तो एक साइड जिधर दोनों मिथाइल है वो बन जाएगा कीटोन. ठीक है क्लियर है. और एक साथ जिधर बन जाएगा तुम्हारा वो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड मतलब इन द सेंस एसिड बन जाएगा. तो हॉट केमनोफोर के साथ ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए. तो मेरे साथ बोलो अगर एक कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे दोनों हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा. सब लोग बोलना दोनों हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा जल्दी बताओ. दोनों अगर हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा. CO2. ओके ठीक है क्लियर है. अच्छा और उसके बाद सपोज करो एक हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा. अगर एक हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा मतलब एसिड बन जाएगा. अच्छा और अगर सपोज करो दोनों हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा मतलब सॉरी दोनों अगर अल्काइल ग्रुप है तो क्या बनेगा. कीटोन. चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे. फटाफट आओ 93 पे आओ 93. चलो An organic compound ये दे दिया does not give a PPT with 2,4-dimethyl 2,4-DNP के साथ ये नहीं दे रहा है and does not react with metallic sodium. देखो metallic sodium के साथ नहीं करना मतलब क्या है. उसके पास acidic H नहीं है. उसके बाद ये 2,4-DNP के साथ भी टेस्ट नहीं दे रहा मतलब ये aldehyde है क्या. aldehyde ketone वगैरह नहीं है. ओके साथ में इसके पास acidic H वगैरह भी नहीं है तो देखो ये दोनों कर सकता है. हाँ देखो ये दोनों डीएनपी के साथ रिएक्शन कर सकता है और ये मतलब निकाल सकता है. तो ये क्या होगा ऑप्शन तुम्हारा डी होगा. चलो 93 का क्या होगा डी होगा. चलो 94 94 पे आते हैं 94 पे आते हैं. चलो 94 का आंसर क्या होगा जल्दी रिप्लाई करो फटाफट. 94 का बताओ क्या होगा आंसर. 94 का क्या होगा. A. 94 A. करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉलिंग पॉइंट पूछा है. चलो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा. सोच लो अच्छे से. ये बेस का ऑर्डर नहीं पूछा है. ध्यान से कंफ्यूज मत हो जाना. ये एमाइड है. बॉलिंग पॉइंट जल्दी करो.
आंटी बी नहीं डी सर डी डी 2 4 1 3 वन और थ्री में तो ज्यादा थ्री का होगा ना बाबा बिकॉज थ्री में तो बॉलिंग पॉइंट ज्यादा अल्कोहल है और सी होगा 2 4 3 1 ओके सी होगा चलो ठीक है सी कैसे होगा सोच के बताओ कैसे करोगे सोच के कैसे बताओ कैसे करोगे 2 4 3 1 ऐसा क्यों क्या रीजन है फिर यहाँ NH2 है यहाँ OH है ऐसा क्या हो गया ऐसा क्या हो गया ऐसा क्या हो गया ऐसा क्या हो गया उसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा टू में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा अच्छा अच्छा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हो ठीक है और कोई हर्ष तुम क्या सोच रहे हो वही सोच रहा था चलो देखो सबसे पहले एक बात तो सोचो कि टू और थ्री टू और वन में तो ज्यादा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होगा ठीक क्लियर है अच्छा इसकी बात करते हैं कार्बोजिलिक एसिड की बात करते हैं ठीक है ना क्लियर है देखो कार्बोजिलिक एसिड और इसमें क्या होगा आपको पता है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो पूरा रिंग बना लेगा बहुत अच्छा रिंग बना लेगा बिकॉज दो मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा तो जितना ज्यादा जुड़ेगा धीरे धीरे बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काफी ज्यादा होगा और इन दोनों में क्या होगा नाइट्रोजन है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हारा यहाँ क्या होगा यहाँ मतलब देखो ऐसे तो खैर बोलना मतलब ये ज्यादा सही नहीं रहा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ ज्यादा है ये बोलना थोड़ा सा मतलब सही नहीं होगा बट हाँ यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है तो ज्यादा मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंडल्ज होने के चांसेस है तो इसके हिसाब से हम लोग बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा तो 2 4 3 1 2 4 3 1 होगा क्या होगा 2 4 3 1 ठीक है क्या होगा 2 4 3 1 होगा क्लियर है चलो ठीक है नेक्स्ट चलो 94 हो गया 95 में आ जाओ 95 में आओ जल्दी से 95 में आओ जल्दी फटाफट 95 में आओ 95 में आओ चलो 95 में आओ जल्दी करो 95 में आओ सोच लो डिसाइड कर लो फटाफट क्या होगा जल्दी करो फटाफट टाइम नहीं है लेट कर रहे हो आप लोग पहले हॉट केमनो फोर के साथ किया फिर हीट किया फिर सी प्लस गैस निकला फिर NOI है NH प्लस आई टू है बी बी और कोनिका कोनिका क्या रहा है प्रणव
क्या रहा है, जल्दी बताओ क्या रहा है। क्या आएगा जल्दी बताओ क्या आएगा। सी होगा। चलो ठीक है देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। देखो ये हॉट केम ने फोर दे दिया है, हॉट केम ने फोर दे दिया है, तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा तुम्हारा कीटोन डबल बॉन्ड ओ सी 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 ओ एच, तो ये बन जाएगा सी डब्लू एच। वन डिग्री वाला बन जाएगा ये और टू डिग्री वाला बन जाएगा राइट, ऐसा होगा। उसके बाद हीट तुमने किया है, हीट किया है, हीट किया है, तो ये बीटा कीटो एसिड है, अल्फा बीटा। बीटा कीटो एसिड में क्या होता है तुमको पता है, बीटा कीटो एसिड में CO2 निकल जाता है, तो ये बन गया एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन के बाद क्या होगा तुम्हारा, एसिटोफिनोन के बाद क्या होगा तुम्हारा, एक बन जाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट, तो इसका ऑप्शन होगा सी। हर्ष आया तुम्हारा, क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट 96 का क्या होगा, सब लोग सोच के बताओ 96 का क्या होगा, सोच के बताओ 96 का क्या होगा, 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 जल्दी बताओ 96 का क्या होगा, कौन सा रिएक्शन है ये, कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, पहले रिएक्शन तो आइडेंटिफाई करो। अच्छा ये तो सिंपल था कि कौन सा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो इसमें ए और बी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई, और कोई और रीजन, और रीजन, ये कौन सा रिएक्शन है, अल्डोल है ना, ये अल्डोल है ना, तो क्या करोगे, क्या करोगे, अल्डोल है तो आप क्या करोगे, इनोलेट किसको बनाओगे। देखो अल्डोल में जब भी क्रॉस अल्डोल रहेगा तो इनोलेट किसको बनाओगे, आप बनाओगे कीटोन को इनोलेट बनाओगे और अटैक करवाओगे एल्डिहाइड पे, कीटोन पे इनोलेट करवाओगे और अटैक करवाओगे एल्डिहाइड पे, अटैक करवाओगे क्या एल्डिहाइड पे। तो ये तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या करना है, ध्यान रखना है तुमको। तो सिंपल सा पानी निकाल दो, इसका ट्रिक भी मैंने बता रखा था कि अल्डोल कंडेंसेशन का ट्रिक होता है, अल्डोल कंडेंसेशन का ट्रिक होता है, वो आपको याद होना चाहिए। सिंपल सा पानी निकाल दो, बस ऑप्शन ए आ जाएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। क्लियर है, पक्का डाउट, चलो तो 96 भी क्लियर है, 96 भी क्लियर है, चलो 96 भी क्लियर है, ओके 97 टॉटमरिज्म, चलो स्टार्ट करो, मल्टीपल चॉइस है नाउ, सिंगल करेक्ट खत्म पूरा, चलो ठीक है 97 कौन कौन सा टॉटमरिज्म एग्जिस्ट करेगा, जल्दी करो कौन कौन सा टॉटमरिज्म एग्जिस्ट करेगा फटाफट, कौन कौन सा टॉटोमर एग्जिस्ट करेगा, जल्दी करो फटाफट करो, टॉटोमर कौन कौन सा एग्जिस्ट करेगा, चलो डी। हर्ष तुम्हारा क्या आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा है हर्ष, कोनिका तुम्हारा क्या आ रहा है, एसी। चलो ए भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, बी भी होगा, कैसे, इधर देखो ये 1/4 टॉटोमेरिज्म करेगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ये तुम्हारा इमीन टाइप का करेगा, मतलब ये पूरा इमीन टाइप का, ये वाला इधर आ जाएगा, ये करेगा, ये भी करेगा बिकॉज ये बीच में 5-1 कॉमन है, तो ये वाला हाइड्रोजन, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये चारों का चारों आंसर होगा ए बी सी डी। स्टार मार्क के अच्छे से लिख लो, स्टार मार्क के अच्छे से लिख लो फटाफट, स्टार मार्क के अच्छे से लिख लो जल्दी से, स्टार मार्क के अच्छे से लिख लो फटाफट, चलो चलो नेक्स्ट 98 HBrCCl4 कैसे होगा, सोच लो, मेजर माइनर दोनों पता करना है, मेजर माइनर दोनों पता करना है, जल्दी करो कैसे करोगे, मेजर माइनर दोनों पता करना है, बी और डी, बी और डी, अच्छा हर्ष तुम्हारा 98 का क्या आ रहा है आंसर, 98 का क्या आ रहा है, 98 का क्या आ रहा है,
सर बी नहीं ए होगा सर। क्या मल्टीपल चॉइस है? मल्टीपल चॉइस है मल्टीपल चॉइस है ए बी डी ए बी डी ए बी डी। चलो तो तुम्हारा क्या होगा 98 का क्या होगा? ए होगा बिल्कुल, कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंज करेगा। अच्छा सी भी हो सकता है, अनस्टेबल कार्बोकैटायन से जो प्रोडक्ट बनता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। अच्छा और तुम्हारा क्या हो सकता है? और डी भी हो सकता है, यहाँ भी जो अनस्टेबल कार्बोकैटायन से बनेगा तो पॉसिबिलिटी है, तो ए बी डी होगा। चलो क्लियर है? क्लियर है जल्दी बोलो, क्लियर है फटाफट, क्लियर है जल्दी बताओ। चलो ठीक है तो ए बी डी इसका आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? ए बी डी आ रहा है। चलो नेक्स्ट 99, नेक्स्ट 99 ठीक है क्लियर है। 99 की बात करते हैं, 99 चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज वन स्टीरियो आइसोमर एज अ मेजर कंपाउंड, वन ऑफ द स्टीरियो एज अ मेजर कंपाउंड। कौन कौन सा ऐसा जिसका मेजर कंपाउंड पॉसिबल है? मेजर कंपाउंड इसका एक पॉसिबल है, टी हो सकता है ठीक है क्लियर है, डी हो सकता है, और कोई पॉसिबल है? और कोई तो कायल सेंटर ही नहीं है तो मेजर कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है जल्दी बताओ, और क्या हो सकता है? और क्या सी और डी बस, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा है ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा है ना भाई, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा है ना। इसके बाद तो मिरर इमेज होगा नहीं क्योंकि ये क्लोरीन है ब्रोमीन है, नहीं हो पाएगा। चलो सी एंड डी। चलो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जी एडवांस में, ये जो वर्कशॉप है ये एडवांस के लिए ही डेडिकेटेड है ठीक है। जो दर्द सह लिया वो जीत गया, जो दर्द नहीं सहा वो शहीद हो गया। इन द सेंस मतलब शहीद मतलब आईआईटी की बात करता हूँ मैं। 10 द करेक्ट कंसर्निंग द करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऐसे ये जेई एडवांस 2008 का क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस 9 का क्वेश्चन है, नॉट 8, 9 या सॉरी 9 का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है ये। चलो ठीक है क्लियर है। द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग, सोच के बताएं फटाफट। अच्छा ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपस में क्या है, डायस्टोमर या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपस में क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपस में क्या है जल्दी बताओ, डायस्टोमर या कुछ और? डायस्टोमर या कुछ और? ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है आपस में? डायस्टोमर है, हमेशा याद रखें ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है? डायस्टोमर है ठीक है क्लियर है। बी सी डी ठीक है, बी सी डी 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 बी सी डी। चलो 100 का बी सी डी, और कितने का आ रहा है बी सी डी कमेंट करो, बी सी डी 100 कितने लोगों का आ रहा है बी सी डी कमेंट करो फटाफट, कितने लोगों का आ रहा है बी सी डी? किसी का आ रहा है बी सी डी? आ रहा है किसी का? अच्छा बी सी डी, चलो बी सी डी चलो निकाल लेते हैं। देखो ई एफ जी में आर टॉटोमर, टॉटोमर ई एफ एंड ई जी आर टॉटोमर, ई एफ एंड ई जी आर टॉटोमर, ई एंड जी आर टॉटोमर, ई एंड जी आर फिर टॉटोमर। ओके गुड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके, एफ एंड जी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ओके ठीक है। एफ एंड जी आर डायस्टोमर, ऑल सिक्स आर ट्रांस आर डायस्टोमर ऑफ ईच अदर, ओके। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप एडवांस में बना दोगे। चलो ठीक है नेक्स्ट 101 में क्या होगा, 101 में क्या होगा? चलो 101 में ये वाला सिर्फ ऑक्सीडाइज हुआ है और कोई ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, तो ब्रोमीन वाटर होगा याद करो, आया ना ब्रोमीन वाटर होगा ठीक है क्लियर है। और ये क्या ऊपर वाला सिर्फ ए और डी ठीक है, चलो ए और डी, इसको ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं क्लियर है। चलो समय आया, चलो नेक्स्ट 102 में इंटरमीडिएट क्या क्या है, 102 में इंटरमीडिएट क्या क्या होगा? एक तो नाइट्रोनियम आयन बनेगा, ये कौन सा रिएक्शन है याद करो, ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन याद करो, कौन सा रिएक्शन है? नाइट्रेशन है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है? इलेक्ट्रोफाइल NO2+ बनता है, ए और फिर इंटरमीडिएट बीच में बनेगा रेजोनेंस करने ठीक है। सी और डी दोनों हो सकता है ना यार, ए और सी, अच्छा नहीं
एक सेकंड, अच्छा एनो प्लस यहाँ बना दिया, सॉरी ये तो नहीं, एनो प्लस मुझे लगा यहाँ है, सॉरी सॉरी, तो ए और सी क्लियर है, बिल्कुल सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ एनो टू प्लस यहाँ मिला दिया, ये तो नहीं बनेगा ना, तो अनस्टेबल हो जाएगा बिकॉज माइनस आई फिफ्थ, ठीक है क्लियर है ए सी। चलो गलती नहीं करना जल्दी जल्दी में, मैंने भी जल्दी जल्दी में आई आई टी में अपनी बहुत गलतियां की हैं, तो जल्दी जल्दी में गलती आप नहीं करेंगे अच्छा रहेगा। चलो 103 में पूछा है कि आफ्टर हाइड्रोलाइसिस द टू प्रोडक्ट दैट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, कौन आफ्टर हाइड्रोलाइसिस क्या है, दो प्रोडक्ट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस तुम्हारा क्या होगा, चलो हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, चलो 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 103 में बताओ क्या होगा, 103 में क्या होगा, 103 में क्या होगा, फटाफट 103 में क्या होगा, ए सी डी, 103 में ए सी डी, ए और डी। अच्छा अब कितने लोगों का ए सी डी आ रहा है, कितने लोगों का ए सी डी आ रहा है, कितने लोगों का ए सी डी आ रहा है, ए सी डी कितने लोगों का आ रहा है, ए सी डी कितने लोगों का आ रहा है, या ओके वेरी गुड, चलो ठीक है हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा OH और ये बन जाएगा OH, ठीक है क्लियर है, तो ये भी ऑक्सीडाइज होके दे सकता है और ये भी टॉटोमर का कर सकता है, ये हो सकता है। बी की बात करते, बी में क्या होगा, ये OH होगा और तुम्हारा ये CH3CH हो जाएगा, ठीक है क्लियर है। 103 में तो इधर OH होगा और ऐसे तो ये हाइड्रोलाइसिस हो नहीं पाएगा जल्दी, आप इस सेंस से देख सकते हो हाइड्रोलाइसिस हो नहीं पाएगा, तो पहले इसको गायब ही कर दो। उसके बाद सी वाले में देखो, सी वाले में भी हो सकता है, डी वाले में OH बनेगा तो कर सकता है, तो ए सी डी, तुम्हारा बी वाले में हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, तो इसका आंसर 103 का ए सी डी। चलो ठीक है, ये वाला क्यों नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पे आप इसको हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पाओगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, एक तरफ एलाइलिक है एक तरफ विनाइलिक है। चलो ठीक है, मतलब एक तरफ तुम्हारा क्या है, ये वाला डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, एक तरफ ये है। चलो 104 का आंसर क्या होगा, 104 का आंसर क्या होगा, 104 का एबीसी, एबीसी 104 का एबीसी। हर्ष तुम्हारा क्या आ रहा है 104 का, 104 का क्या डाउट है, ए और बी होगा 104 का, ए और बी। चलो ठीक है 104 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, ए हो सकता है बी हो सकता है, सी कभी नहीं हो पाएगा, ये तो तुम्हारा उर्ज रिएक्शन का पार्ट आ गया, उर्ज रिएक्शन तो यहाँ हो नहीं रहा है, यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो विलियमसन टाइप का भी हो सकता है थोड़ा सा, तो ये कभी ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी पॉसिबल है, बाकी और कोई पॉसिबल नहीं है, करेक्ट आंसर ए भी है भी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं 105 पे चलते हैं, 105 पे चलते हैं, चलो 105 105 जल्दी करो, 105 का क्या आंसर भाई लोग, 105 का आंसर क्या है, एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव का मतलब होता है टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलिन, ठीक है ना क्लियर है, एक्सप्लोसिव ठीक है क्लियर है, देख लो कौन कौन सा हो सकता है एक्सप्लोसिव, कौन कौन सा हो सकता है एक्सप्लोसिव, कौन कौन सा हो सकता है, देखो ये वाला पिक्रिक एसिड होगा जिसमें भी तीन एनो टू आ जाएगा, ये बी हो सकता है ठीक क्लियर है, बी के बाद तुम्हारा और क्या हो सकता है, बी के बाद तुम्हारा और क्या हो सकता है, उसके बाद चलो पार्टी पार्ट करते हैं, ए वाले में एक जगह एनो टू आएगा, फिर फर्दर बार 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 एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो बार बार ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, सी को देखो, सी में जहां जहां OH है वहां वहां, अच्छा ठीक है ये देखो कॉन्केचेन और 3+H2SO4 ठीक है क्लियर है, नाइट्रेशन यहाँ भी तीन एनो टू आ जाएगा, सी हो सकता है ठीक है क्लियर है, उसके बाद एल्डिहाइड है और तुम्हारा, तो ये दोनों क्या होगा आपस में, ये दोनों आपस में कौन सा रिएक्शन करेगा, कौन सा रिएक्शन करेगा आपस में, अल्डोल करेगा, अल्डोल क्रॉस अल्डोल करेगा, फिर तुम्हारा नाइट्रेशन होगा, तो जहां जहां एनो टू आ रहा है तुम्हारा, इसलिए इसका चारों आंसर ए बी सी डी होगा तुम्हारा, जहां जहां एनो टू आ रहा है, और से मैं बता दूं कि टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोलिन ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव चीज होता है ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद वगैरह कर लें बहुत ही काम आएगा टीएनटी ठीक है, ट्राई नाइट्रोटोलिन ठीक है क्लियर है समझ गए, ओके तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा स्टार मार्क कर लो थोड़ा काम आएगा ठीक है क्लियर है। चलो 106 कल जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन भेजे थे हर्ष, इसका आंसर ले आए थे, जो हिंट दिया था उससे आ गया था,
सर आंसर तो पता है क्या आ रहा है, बट डाउट दूसरा था। अच्छा डाउट दूसरा था, ठीक है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है क्लियर है, आप लोग तो ठीक से पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहे, तो कैसे मैं गाइड करूं आप लोग। दम आप लोग कम मेहनत कर रहे हो, मुझे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग चाहिए। 106 में क्या होगा, 106 में क्या होगा, चलो 106 में क्या होगा, 106 में क्या होगा, 106 में क्या होगा, 106 में क्या होगा, चलो क्यूमिन, पहला वाले में क्यूमिन बन जाएगा, दूसरा वाले में भी क्यूमिन बनेगा, ओके तीसरा वाले में भी क्यूमिन बनेगा, क्यों, क्योंकि रीजन आपको पता है ये फ्रिल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, रीअरेंज कर सकता है। डी ऑल आंसर ए बी सी डी, चेक भी कर लेते हैं 106 का बिल्कुल है ए बी सी डी आपके सामने, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन आपको एडवांस में बहुत ही कॉमन दिखेंगे। मैंने आपको बोला था कि एडवांस का वर्कशॉप मतलब एडवांस का, इसमें कोई भी एकदम मेंस टाइप का चीज नहीं रहेगा, ठीक है क्लियर है। चलो और अभी जो 1500 क्वेश्चन का जो सीरीज मैंने प्लान किया है उसका नाम भी मैंने बहुत अनोखा दिया है, आपको डिटेल मिल जाएगा, वो 5 जून से स्टार्ट है, बट उसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बट कुछ ही बच्चों को मैं अलाउ करने वाला हूँ ये वर्कशॉप के लिए, बिकॉज जो बच्चे पढ़ते नहीं उनको अलाउ करके क्या फायदा, टफ लेवल का चीज। चलो देखो IITian तो 2% ही बनेंगे यार, ठीक है क्लियर है, तो आपको 2% में अपने आप को लेके आना है, ठीक है। चलो 107 का आंसर देख लो, 107 साल मेरे ईयर में आया था, JEE एडवांस 2012 में आया था, मुझे जहां तक याद है कि मेरे ईयर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है क्लियर, मल्टीपल चॉइस में था ये। चलो 107 देख के बताओ, 107 देख के बताओ, 107 देख के बताओ, 107 देख के बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, चेक कर लो। थोड़ा जल्दी करना, थोड़ा जल्दी करो यार, आज अपने को कम से कम 150 तक कंप्लीट कर लेना है इसको, 150 तक, 160-170 तक कंप्लीट कर लेना है। चलो जल्दी करो फटाफट, थोड़ा जल्दी करो फटाफट करो थोड़ा। ए बी सी डी तुम्हारा हर्ष, ए सी डी, ओके ओके कोनिका तुम इतना कमाल कर देती हो, बट तुम्हारा मार्क्स नहीं आता, सबसे ज्यादा टेंशन तो मुझे यही है, हर समय आंसर तुम सही देती हो लेकिन मार्क्स नहीं लाती तुम, कैसे चलेगा। चलो खैर कोई नहीं, 107 का आंसर क्या होगा, 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 तुम्हारा क्या रहा, 107 का क्या रहा आंसर, क्या रहा है, एसीडी, तुम्हारा भी एसीडी आ रहा है, चलो ठीक है। पहले क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, जल्दी बताओ क्या करेगा, फटाफट फटाफट क्या करेगा बोलो, ये CH3 है, इधर क्या होता है, इधर OH लगा देगा, ठीक है क्लियर है, इधर OH लगा दिया, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या, एक कार्बन है यहाँ तुम्हारा, OH लगा दिया, चलो ठीक है क्लियर है। अच्छा टी इज सॉल्युबल इन हॉट, टी सॉल्युबल इन हॉट, ठीक है क्लियर है, हॉट NOH, यस जनरली ऐसे मैं आपको बता दूं, नॉर्मल अल्कोहल सॉल्युबल नहीं होता है, बट आपने बहुत ही मतलब टी सॉल्युबल इन हॉट एक्वस NOH, हॉट बोल दिया तो ठीक है हमें लेना पड़ेगा एक, चलो ठीक है। अच्छा उसके बाद ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये, U ऑप्टिकली एक्टिव है, जो U कंपाउंड आ रहा है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, देख लेते हैं, ये कार्बन तुम्हारा, ये कार्बन इधर,
तो सिमेट्रिसिटी आ रहा है ना इसके अंदर, ये क्या आ रहा है, सिमेट्रिसिटी आ रहा है, हाँ ना जल्दी बोलो, अरे हाँ ना आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा ना, देखो ध्यान से, इसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री ले सकते हो ना, इसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री ले सकते हो ना, अरे इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, क्लियर है, सही है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो यू नहीं हो पाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो डब्ल्यू का, अच्छा डब्ल्यू, अब डब्ल्यू पे आते हैं, डब्ल्यू के बाद क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, हाँ ना जल्दी बोलो, हाँ ना एक्सिस में है तो एस्टर बनेगा, यस नो, जल्दी बोलो, ये एस्टर बन जाएगा क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो एस्टर बना दो, ठीक है क्लियर है, सी भी आ जाएगा। उसके बाद भी की भी CrO3 क्या करेगा, जल्दी बोलो, CrO3 क्या करेगा, प्लस एच प्लस है, एच प्लस है तो एसिड बनेगा या सिर्फ एल्डिहाइड तक रुक जाएगा, जल्दी बोलो, एसिड बनेगा या एच प्लस तक, ये तुम्हारा काइंड ऑफ जॉन्स रिएजेंट तक चला जाएगा ना, बिकॉज एच प्लस दे दिया है। अगर CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 देता, मतलब जिसके अंदर एच प्लस कोई सॉल्वेंट नहीं रहता, मतलब पोलर एप्रोटिक रहता, तो एल्डिहाइड तक रुकने के चांस थे, जैसे पीसीसी में होता है, बट यहाँ आपको H प्लस दे दिया है तो ये सीधे एसिड बन जाएगा, इसलिए ये भी तुम्हारा ऑप्शन डी भी हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सी डी आ जाएगा। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर सबको। तो अभी तक हमने 107 तक का ही प्रॉब्लम पूरा पूरा सॉल्व अपने कर लिया है, हमने 107 तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 पे आ जाओ। चलो 108, द हीटिंग मेनी अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इन वाटर कन्वर्ट देम इन अल्कोहल थ्रू SN1 रिएक्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द करेक्ट ऑप्शन। देखो सिंपल सा पूछा है कि कौन कौन सा ऐसा सेट है जिसके अंदर तुम्हारा SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन होगा और फास्ट होगा ये ऑर्डर, तो बताओ जल्दी से कैसे होगा, फटाफट सोच के बताओ कौन कौन सा करेक्ट आंसर है, सोच के बताओ फटाफट, कौन कौन सा करेक्ट, ए होगा, ए, अच्छा ए होगा, चलो ए अभी तक आ रहा है, और क्या आ रहा है, ए आ रहा है अभी तक, और क्या आएगा जल्दी बताओ, और क्या आएगा ए के बाद, ए के बाद, ए के बाद और क्या आएगा, ए के बाद और, ए के बाद और क्या, हर्ट्ज, ए और डी, चलो ठीक है। देखो सबसे पहले ये 3 डिग्री है, ठीक है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये करेक्ट है, बी बी नहीं होगा बिकॉज बेंजीन के बगल में रहेगा, अच्छा ये वाला करेक्ट है बट ये वाला इनकरेक्ट है, क्लियर है, क्योंकि ये रीअरेंज कर सकता है, ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो ये वाला इसकी वजह से इनकरेक्ट हो गया। आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन थोड़ा बेकार लिविंग ग्रुप है आयोडीन के कंपेरिजन में, तो सी नहीं होगा। डी की बात करते हैं तो ये वाला क्या है, एलाइली कार्बोकैटायन बनाएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा, 3 डिग्री रहेगा, तो हम लोग एलाइली को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे देन नॉर्मल 3 डिग्री। हाँ अगर 9 अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उस केस में थोड़ा सा मशक्कत हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि IIT वाले 9 अल्फा हाइड्रोजन को नॉर्मल बेंजाइलिक और एलाइलिक से ज्यादा मानते, बट 9 के अलावा जो भी है उन सबको हम लोग कम ही मानेंगे। चलो 109 करके बताओ आप लोग, 109 करके बताओ फटाफट, 109 करो जल्दी जल्दी, 109 करो, 109 करो जल्दी से, 109, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैनिमाइड। तो देखो सबको पता है 1 डिग्री अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड, राइट, हाँ ना जल्दी बोलो, 1 डिग्री अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड, पता है ना आपको, लेकिन एरोमेटिक आप नहीं बना सकते, एरोमेटिक आप नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक बना सकते हैं, तो 1 डिग्री अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है क्लियर है, तो ए बी सी ठीक है क्लियर है। चलो 109 का क्या आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, कितने लोगों का करेक्ट था कमेंट यस कर दो, कितने लोगों का करेक्ट था कमेंट यस कर दो, चलो ठीक है। अच्छा इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द सेकेंड कंपाउंड रिक्वायर लेस एनर्जी फॉर हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज CX बॉन्ड, किसमें ऐसा है जिसमें लेस एनर्जी चाहिए, ठीक है क्लियर है। चलो जिसमें स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उसमें जल्दी चाहिए सेकेंड वाला कंपाउंड, तो सेकेंड वाला कंपाउंड ए में, सेकेंड कंपाउंड रिक्वायर लेस एनर्जी, लेस पूछा है, मोर नहीं पूछा है, लेस पूछा है, तुम मोर समझ रही हो, लेस मतलब जल्दी टूट जाए, तो इसका मतलब स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए, तो ये वाला कंपाउंड ज्यादा इससे होगा बेंजाइलिक बन रहा है। ये वाला देखो, ये वाला पॉजिटिव के बाद ठीक है, ये वाला क्या 3 डिग्री है, ठीक है क्लियर है, समय है ना, ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है, ये कार्बोकैटायन क्या है तुम्हारा एलाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, तो इसका आंसर होगा बी एंड डी, आंसर चेक कर लेते हैं 110 का बी एंड डी करेक्ट है भी, चलो ठीक है दिक्कत नहीं। चलो फटाफट यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट है जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है। चलो 110 तक हमने कर लिया, 110 तक हमने पूरा अच्छे से स्वाहा कर लिया, तो सब लोग बोलो स्वाहा, 110 तक हो गया, तो 2 मिनट का ब्रेक वगैरह ले लो,
मतलब इसी आईडी पे, ठीक है, क्लियर है, पानी वानी सब पी लो ताकि 110 के बाद हम लोग 40 क्वेश्चन और कर सके, आगे कर सके, ठीक है, क्लियर है। चलो पांच मिनट नहीं, 2 मिनट काफी है क्या? 2 मिनट सफिशियंट है ना? चलो 2 मिनट पानी वगैरह पी लो, रिलैक्स हो जाओ। वन फोर्टी फाइव तक करना है, हाँ नहीं नहीं 45 मिनट का ब्रेक नहीं मिलेगा भाई। चलो इसी लिंक पे बने रहेंगे, मतलब लिंक छोड़ना नहीं है, पानी वानी पी लो। मैं 1:05 में स्टार्ट करूंगा, 4 मिनट का आपको ब्रेक दे रहा हूँ। और प्रणव, कहाँ पढ़ाई हो रहा है ठीक से? प्रणव मतलब पानी पीने चला गया। और कोई, और कोई है? प्रियंका कैसा हो रहा है पढ़ाई? तो फिजिकल केमिस्ट्री कहाँ से प्रैक्टिस करें? और अभी अभी 1500 क्वेश्चन का वर्कशॉप होने वाला है, वो कर सकते हैं, नहीं तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो। अभी 1500 क्वेश्चन एक और वर्कशॉप भी हम लोग करवाने वाले हैं 5 जून से, तो उसमें भी और भी अच्छा, बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया जाएगा, 500 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का। फिलहाल तुम ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दे सकती हो, सत्र से बात कर लेना, तुमको हेल्प कर देंगे, बता देंगे कैसे करना है, ठीक ओके सर। है? तो मैं और कोई दिक्कत होगा तो मैसेज कर लेना मुझे, मैं बता दूंगा किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। ओके सर। आफरीन, कोविड तुम्हारा ठीक हो गया? आफरीन अभी ठीक हो? हर्ष, एडवांस लेवल का कितना टेस्ट अभी तक हो गया है पोर्टल में? 10 टेस्ट हो गया ना पूरा एडवांस का? कोई बताओ मेरे को, हर्ष कोनिका, सर 10 से ज्यादा हो गया। 10 ज्यादा हो गया ना? चलो और करवाते हैं एडवांस का प्रॉब्लम, और करवाते हैं, और अच्छे से पढ़ाई करो, रैंक आना चाहिए, अगर अच्छा मौका है रैंक निकालो।
चलो करें, सब आ गए हैं? हाँ रेडी, यस करें, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 111 स्टार्ट करो, 111। अच्छा बताओ 111 कौन से कंट्री में अपशगुन माना जाता है, कौन बताएगा? बताओ मेरे को 111 जो ये नंबर है, कौन से दुनिया की कौन से कंट्री में इसको बहुत ही ज्यादा अपशगुन माना जाता है? इंग्लैंड। इंग्लैंड बिल्कुल, इंग्लैंड में 111 को अपशगुन माना जाता है। चलो कोई बात नहीं, तो 111 बताओ। कैसे करोगे 111? कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे? चलो देखो, ये BR2 पे जाके अटैक कर देगा, ठीक है, क्लियर है। और BR2 पे अटैक करने के बाद ये कार्गो का टैंक बन जाएगा और यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा, और ये जो कार्बोजेलिक एसिड है, ये जो कार्बोजेलिक एसिड है डबल बॉन्ड को, और ये जो है लोन पेयर, ये इस पे अटैक कर देगा, साइक्लिक हमेशा बना लेगा, आपको पता है। तो ये बन जाएगा C&D, इसका आंसर हो जाएगा C&D। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कोई नाम नहीं है, ऐसे क्वेश्चन का कोई अलग अलग कुछ नहीं है भाई, बस अपने को मैकेनिज्म पता है तो ऑप्शन हम लोग को मिल जाएगा और आइडिया मिल जाएगा और IIT भी मिल जाएगा। 112 बताओ कैसे करोगे, 112 बताओ फटाफट, 112 बताओ। क्या होने वाला है? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करेगा, जल्दी बोलो। A और D। चलो ठीक है, देख लेते हैं A और D। बिल्कुल, OH दोनों या तो राइट से जुड़ेगा, मतलब या तो बेस से जुड़ेगा या तो डैश से जुड़ेगा, तो इसका B और D आंसर होगा। चलो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत सही। नेक्स्ट 113 बताओ सर, A और D होगा ना पिछले वाले का? 112 पिछले वाले का, बी ऑप्शन में वेज डैश है। सॉरी, ठीक है, मतलब दोनों वेज या दोनों डैश, ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, A और D। चलो आगे नेक्स्ट, 112 हो गया, 113 बताओ। फटाफट 113 में क्या होगा? Br2CCl4, दोनों ये दोनों सेम साइड आ रहा है, तो सीसीएल ट्रांस देख लो, सीसीएल ट्रांस टाइप का चीज होगा या अलग होगा? Br2CCl एंटी एडिशन होता है, सीसीएल ट्रांस होगा, सिस पे एंटी एडिशन, मीजो सिस टाइप का चीज होगा, सिस पे एंटी एडिशन मतलब सेम साइड होगा, इरिथ्रो होगा, सेम साइड होगा, इरिथ्रो होगा, इरिथ्रो। 113 का पहला ऑप्शन आ रहा है बी, अच्छा देख लो अच्छे से, ए क्या होगा, मीजो ट्रांस पे एंटी एडिशन, सॉरी ट्राम होगा, ट्रांस पे एंटी एडिशन मीजो, सिस पे एंटी एडिशन रेसिमिक, ठीक है, मतलब ट्रांस पे जो एंटी एडिशन होगा मीजो होगा, मीजो में क्या होता है, इरिथ्रो होता है, इरिथ्रो मतलब दो ग्रुप सेम साइड, इरिथ्रो, ठीक है क्लियर है, और थ्रियो, ठीक है क्लियर है, तो ये तुमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलो तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट में है, कोई दिक्कत नहीं है, ए होगा। उसके बाद बी की बात करते हैं, बी में कोल्ड KMnO4, तो कोल्ड KMnO4 की बात करेंगे, तो कोल्ड के वो सिन एडिशन होता है, तो ट्रांस पे सिन एडिशन क्या होगा, मल्टीपल चॉइस बनेगा, लेकिन यह सिंगल प्रोडक्ट दिया है, ऐसा हो सकता है क्या, सिंगल प्रोडक्ट होगा क्या, नहीं ना,
सिंगल प्रोडक्ट नहीं होगा ना भाई, मल्टीपल प्रोडक्ट होगा ना यार, दो प्रोडक्ट बनेगा ना, एक दूसरे का मिरर इमेज भी तो बनेगा ना यार। अरे क्लियर है, जल्दी बोलो, एक दूसरे का मिरर इमेज भी तो बनेगा, सही है? अरे बोलो, मिरर इमेज भी बनेगा ना यार, रेसिमिक बनेगा तो मिरर इमेज भी बनना चाहिए ना, तो इसलिए क्या होगा, तो इसलिए तुम्हारा सीपे प्राणा, तुम थोड़ा सीरियस आओ, थोड़ा बनो, ठीक है? कभी कभी मैं देखता हूँ तुम गायब रहता है। देखो जो लोग भी लगातार लगा हुआ ना उसका सिलेक्शन होगा। चलो 114 का बीचे तो फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव आइसोफॉर्म टेस्ट, मैं नहीं बताऊंगा, मैं ये नहीं बताने वाला, जल्दी फटाफट, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी करो। बीचे तो फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव आइसोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आइसोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? सब ए बी सी डी, ए देगा, बी देगा, सी देगा, डी भी देगा, ओके ए बी सी डी। कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का सही है? चलो ठीक है, ओके चलो 115, चलो 115 जल्दी बताओ, 115 में क्या होगा, 115 में क्या होगा? टर्शियरी नाइट्रोजन एटम एटम्स एट द ब्रिज पोजीशन ऑफ द बी साइक्लिक आर ऑफन मोर रिएक्टिव एज द न्यूक्लियोफाइल देन द नॉन साइक्लिक टर्शियरी एमीन, ठीक है? एंड अल्कलाइजेशन ऑफ ब्रिज बाइसाइक्लिक एमीन फास्टर देन द नॉन साइक्लिक। चलो चलो कोई रीजन मुझे बताएगा, कोई रीजन मुझे समझाएगा, क्या क्या हो ऐसा, क्या क्या रीजन है, ऐसा क्या रीजन है, जल्दी बोलो ऐसा क्या रीजन है, कोई मुझे बताओ सही है, कौन सा सही है? पहले पूछा है कि टर्शियरी नाइट्रोजन एटम एट द ब्रिज पोजीशन ऑफ द ब्रिज साइक्लिक एमीन आर ऑफन मोर रिएक्टिव एज न्यूक्लियोफाइल देन द नॉन साइक्लिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इसका रीजन कोई मुझे बताएगा? हर्ष, मैंने तुमको पढ़ाया है, तुम्हारे बैच में पढ़ाया है, हर्ष कोनिका वगैरह पढ़ाया है, मोवासी पढ़ाया है, बताओ जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कोई मुझे रीजन बताएगा, कोई भी मुझे रीजन बताएगा, हर्ष कोई रीजन दिमाग में आ रहा है, कोनिका कोई रीजन दिमाग में आ रहा है? इटू जैसा होता है भाई, तुम सच में नाच कर मेरा लग रहा कटवा के चले जाते हो। देखो मैंने बताया था ये हॉफमैन एग्जॉस्टिव जैसा चीज बन रहा है, फर्स्ट वाला जैसा, अगर देखो कुछ नहीं, इधर देखो, ये मैंने बताया था फ्लिपिंग करता है, ये जो लोन पेयर होता है फ्लिपिंग करता है, ये जो लोन पेयर होगा ये फ्लिपिंग करेगा। जब नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है, बगल में अल्काइल ग्रुप हो या हाइड्रोजन हो, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करता है, फ्लिपिंग करता है। और 3 डिग्री जब ये साइक्लिक में हो तो ये फ्लिपिंग नहीं कर सकता, जब ये फ्लिपिंग नहीं करता तो इसका लोन पेयर स्टेबल होता है, दूसरे को जल्दी देना पसंद करेगा, मतलब अटैक करना पसंद करेगा, यहाँ फ्लिपिंग होता है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको लिखना चाहिए था कि नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्लिपिंग करता है, स्टार मार्क लिख लो फटाफट, नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या होता है, फ्लिपिंग करता है, क्या करता है, फ्लिपिंग करता है, इधर उधर भागते रहता है बैलून के अंदर, कुछ सोचो कि दो एयर बबल डाल दो, मतलब कुछ बबल वगैरह डाल दो उसके अंदर, वो इधर उधर भागते रहेगा बैलून के शेप में, तो ये फ्लिपिंग करता है, इसलिए ऐसा हो रहा है, लिख लो बगल में फ्लिपिंग, ठीक है, आई मीन फ्लिपिंग इसको बोलते हैं, फ्लिपिंग करेगा, तो फ्लिपिंग करेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। चलो स्टार मार्क लिख लो, सब पढ़ाया हुआ है, पढ़ाता हूँ तो सुनते नहीं तुम लोग, रिविजन करते नहीं। चलो 116 का क्या होगा, 116 का क्या होगा जल्दी बताओ, 116 का क्या होगा जल्दी, 116 का क्या होगा, 116 का क्या होगा, 116 का क्या होगा, मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, सोच के बताओ, सोच के बताओ, P1 मेजर है, P2 माइनर है, रीजन 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, थर्मली कंट्रोल्ड है तो प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा बताओ, तो ये मेजर सही है, ये मेजर सही है, 1-2 एडिशन सही है, ये मेजर कौन सा मेजर होगा, चलो P1 कौन सा मेजर होगा, P1 फॉर्म बाय मोस्ट स्टेबल का, दोनों मेजर ही बोल दिया है, कौन सा मेजर होगा, ये मतलब मिस्टेक है, यहाँ एक माइनर होगा, कौन सा होगा जल्दी बोलो, कौन सा होगा जल्दी बोलो सर, 1-2 एडिशन केसीपी में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तुम्हारा क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, बिकॉज हाई टेम्परेचर आपने दिया, 1-4 एडिशन है,
तो ये तुम्हारा मेजर होना चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, ये मेजर ये होना चाहिए, यहाँ स्टेटमेंट गलत लिख दिया, ये माइनर होगा और ये मेजर होगा, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है कि पी वन इज फॉर्म्ड बाई मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, बट तुम्हारा क्या है रीअरेंजमेंट नहीं करवाया, हाई टेम्परेचर पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप टेंशन मत लो, ठीक है, ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में छोटी बातें होते रहती है। चलो ठीक है, क्लियर है। अब आ गए कॉम्प्रिहेंशन पे। चलो कॉम्प्रिहेंशन पे, यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है? चलो यहाँ तक किसी को डाउट है जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? देखो कॉम्प्रिहेंशन का मैं तुमको एक मूल मंत्र समझाता हूँ। जब भी जेई एडवांस में कॉम्प्रिहेंशन आए तो तुम क्या करो, रिवर्स फॉलो कर सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, जो है वो जाने के साथ साथ आप जो उनके अंदर जो क्वेश्चन है, पैराग्राफ आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद किसी भी एक चीज को रेट्रो कर लो, मतलब प्रोडक्ट से सोच लो कि मतलब ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो तुम्हारा एक क्वेश्चन अगर सही हो गया तो तीनों का तीनों क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये ट्रिक मैंने आजमाया था अपने टाइम, मेरा आज तक कभी भी ऑर्गेनिक के अंदर कॉम्प्रिहेंशन रॉन्ग नहीं हुआ था, ठीक है, क्लियर है। और इनऑर्गेनिक के अंदर भी कॉम्प्रिहेंशन ऐसे ही काम करता है, बिकॉज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होता है, तो कभी भी कोई दिक्कत हो एक क्वेश्चन को पकड़ो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो तुमको आता हो, फिर बैक कैलकुलेशन करके तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा जो कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, 117 पे हम लोग काम करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन 1 117 है। चलो ठीक है, देखो ये दे दिया है 1 डिग्री अल्कोहल, इसको कॉम के H2SO4 के साथ करवा रहे, फिर ओजोनोलाइसिस करवा रहे, CND प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऑक्साइम ऑफ एल्डिहाइड सी एंड ऑक्साइम ऑफ कीटोन डी ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉलो कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आप बी वाले प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, आप ये सब रिएक्शन करवा रहे हो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, चलो हम लोग ध्यान से करते हैं, चलो ध्यान से हम लोग करते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं। चलो सबसे पहले ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री कार्बन C6H, अच्छा इसका DU कितना होगा बताओ, तो इसका DU कितना है देखो, तो फटाफट इसका कोई DU है नहीं, इसका DU 0 है, इसका कोई DU नहीं है, इसका कोई भी DU नहीं है, राइट, हाँ है ना, जल्दी बोलो, हाँ है ना, इसका कोई भी DU नहीं है। चलो ये बन गया एल्डिहाइड, एक बन रहा है एल्डिहाइड, ठीक है, क्लियर, R1 पकड़ लो, और एक बन रहा है कीटोन, R2 पकड़ लो, क्लियर है, पक्का डाउट, कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है? ऑक्साइम ऑफ एल्डिहाइड सी एंड ऑक्साइम ऑफ कीटोन डी सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ऑक्साइम ऑफ, ठीक है, क्लियर है, समय मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर होना चाहिए। अब फर्दर देखते हैं, अब इन दोनों को कंबाइन करके हम अल्कीन सोच लेते हैं कि मेरा अल्कीन क्या हो सकता है, तो सी डबल बॉन्ड सी, और ये तुम्हारा R2 है, और ये तुम्हारा R2 और R3 पकड़ लो, इसको R3 पकड़ लो, ऐसा कुछ होगा, हाँ ना, जल्दी बोलो, हाँ ना, बताओ ऐसा कुछ होगा ना यार, अरे ऐसा ही कुछ होगा ना, एक एल्डिहाइड बन रहा है, दूसरा कीटोन बन रहा है, तो मैं एक तरफ R2 पकड़ लूं, एक तरफ R3 पकड़ लूं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे रहा है, इसका मतलब R2 और R3 बराबर नहीं हो सकता, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, और तो पॉसिबिलिटी नहीं है, और यहाँ R1 है और H है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर अपने आप देगा ही, तो ये मेरा कुछ कैलकुलेशन सही आ रहा है। चलो अब हमको पता करना है कि भाई मेरा OH कहाँ होगा, आपको पता है कि OH कहाँ होगा, जहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वहां तुम्हारा क्या होगा, OH होगा, जो स्टेबल कार्बोकैटायन थे, यहाँ मतलब स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा होगा, R2 और R3 बन रहा होगा, राइट, हाँ ना, जल्दी बोलो, अरे हाँ ना, चलो इसका मतलब मेरा जो कार ऐसा होगा कि मेरा ये OH होगा और ये मेरा R2 होगा और इसके साथ मेरा ये R3 होगा, लेकिन R3 होगा तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, हाँ ना, जल्दी बोलो, इसका मतलब हम लोग को रीअरेंज करवा रहा था, हम लोग को रीअरेंज करवा रहा है, तो अगर मैं यहाँ OH लग, तो यहाँ अगर OH रखूँ तब भी दिक्कत है क्योंकि 2 डिग्री हो गया, अब क्या करें भाई, अब सोच के बताओ कैसे करोगे, सोचो, काफी तगड़ा क्वेश्चन दिया है, दिमाग लगाओ कैसे करोगे, हाँ बोलो कैसे करोगे, फटाफट कैसे करोगे, बोलो मेरे को, जल्दी जल्दी बोलो, बोलो जल्दी फटाफट, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, कैसे करोगे, सोचो कैसे करोगे, सोचो फटाफट कैसे करोगे। चलो अब ये 1 डिग्री हो रहा है, अब क्या करें, अब तो 1 डिग्री हो रहा है, मतलब ये तो 2 डिग्री हो जा रहा है, क्या करें,
क्या करें? हर्ष क्या करोगे, क्या दिमाग लगाओगे? अच्छा हर्ष अनेटनी, हाँ कोनिका क्या करोगी? क्या करोगे सोचो, दिमाग लगाओ कैसे करोगे? एक तो एल्डिहाइड है, चलो मैं एल्डिहाइड ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एल्डिहाइड ले लेते हैं। और दूसरा कीटोन है, कीटोन भी ले लेते हैं, R1, R2 और R3 पकड़ लेते हैं, ठीक है। मेरा अल्कीन तो आ जा रहा है, अल्कीन तो आ जा रहा है R1, और ये H है, और ये मेरा R2 और R3 है, ये तो आ जा रहा है, लेकिन कैसे करें, कैसे करें, कैसे? 1 डिग्री अल्कोहल, वो भी सिमेट्रिक अल्कोहल है, 1 डिग्री सिमेट्रिक अल्कोहल, 1 डिग्री सिमेट्रिक अल्कोहल, ये 1 डिग्री सिमेट्रिक अल्कोहल कैसे हो सकता है? 1 डिग्री सिमेट्रिक अल्कोहल हो सकता है क्या कभी, कि 1 डिग्री भी है और तुम साथ में सिमेट्रिक है, ऐसा हो सकता है? नहीं, चांसेस है चांसेस है ऐसा? क्या मैं एक और तरीका कर सकता हूँ पता है तुम्हें? एक और तरीका, मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो रिवर्स भी कर सकता हूँ, कि एक प्रोडक्ट पी ले लूँ उसके अकॉर्डिंगली मैं कर सकता हूँ चाहूँ तो। ऑप्शन बनाना कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या ऐसा दिमाग लगाया जाए कि चीज़ें सॉल्व हो जाए, मतलब यहाँ से तो देखो पॉसिबिलिटी नहीं आ पा रहा है, बिकॉज अगर मैं OH यहाँ ऐड करूँगा तो बीटा हाइड्रोजन है, चलो ठीक है मान लो, यहाँ कार्बन है तो कार्बोकैटायन, यहाँ मान लो OH बना, सपोज करो कि OH यहाँ है, OH यहाँ है, ठीक है क्लियर है, कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है अल्कीन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबल कार्बोकैटायन, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है कि ये तो 2 डिग्री हो जा रहा है, 1 डिग्री रह नहीं रहा है। अच्छा चलो ठीक है मैं काम करता हूँ, 2 कार्बन इधर है और 1 कार्बन इधर ले लो, 1 कार्बन इधर ले लो, अच्छा और फिर 1 कार्बन इधर ले लो, तो मेरा 4 कार्बन, 3 × 2 = 5 कार्बन हो रहा है, 5 कार्बन हो रहा है, अच्छा और कोई पॉसिबिलिटीज है, हाँ एक हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये कार्बन ले लें, बट हम लोग का बार बार 1 डिग्री अल्कोहल नहीं आ पाएगा यार, अगर सिमेट्रिक अल्कोहल बोलेगा तो कभी 1 डिग्री हो पाएगा क्या? चांसेस बहुत कम है, बहुत चांसेस कम है। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, रिवर्स करते हैं, ठीक है चलो रिवर्स करते हैं। एक काम करो, ऑप्शन कोई चूज करो, पी के अंदर कोई ऑप्शन चूज करो, उससे स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन पी चूज करते हैं। चलो एक काम करो, इधर देखो, अगर तुम सोचो कि सी वाला चूज करते हैं, लेट्स से सी वाला चूज कर लेते हैं, तो ये तुम्हारा ये है और पीडीसी किए थे, कार्बन आ गया, फिर ब्रोमीन किधर अटैक करेगा? 3 डिग्री पे अटैक करेगा, ओके ठीक है, फिर अल्कोहलिक केओच लेते हैं, तो ये डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बोलो, आ रहा है ना, जिसका ओजोनाइसिस करने के बाद एक एल्डिहाइड बनेगा, दूसरा कीटोन बनेगा, आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो, आ रहा है कि नहीं, चलो ऐसा भी आ रहा है, ओके आ रहा है, अभी तक आ रहा है, ये भी आ रहा है, चलो ठीक है, लेकिन देखते हैं फिर 1 डिग्री अल्कोहल हम लोग का सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बी ए ले लेते हैं, ए वाले में लोगे तो क्या होगा, ए वाले में लोगे तो ये बन गया, ठीक है ओजोनाइसिस का ब्रोमीन आ गया, ठीक है ब्रोमीन आने के बाद तुम्हारा क्या आ गया, ये मेरा एल्कीन आ गया, ओके अब ओजोनाइसिस कर दो, अब ओजोनाइसिस करोगे तो मेरा क्या दिखेगा, ये कीटोन दिखेगा जो मेट्रिकल आइसोमर कर रहा है, ओके ठीक है क्लियर है, इसके अंदर जो मेट्रिकल आइसोमर नहीं कर रहा था, तो इसलिए सी ऑप्शन नल हो गया। अब उसके बाद एक बन रहा है एल्डिहाइड, एसिटल डिहाइड बन रहा है, ओके ठीक है क्लियर है, तो चलो इसका मतलब ऑप्शन ए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बी नहीं हो पाएगा, ओजोनाइसिस करने के बाद दिक्कत हो जाएगा, ऑप्शन डी वाले में क्या होगा, ऑप्शन डी वाले में तुम्हारा ओजोनाइसिस करने के बाद वो तुम्हारा क्या होगा, अगर देखो ब्रोमीन लगेगा तो ब्रोमीन कहाँ लगेगा, ब्रोमीन यहाँ लगेगा, तो ब्रोमीन लगने के बाद तुम्हारा ये वाला जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा होगा, ये तुम्हारा ओजोनाइसिस कर दोगे तो ये डबल बॉन्ड इधर से बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड तो इधर बनना पसंद नहीं करेगा ना, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा नहीं है, इधर से बनना पसंद करेगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए तुम्हारा ऑप्शन ए जो है सबसे बेस्ट है। तो ऐसे करके भी आप प्रॉब्लम को चाहो तो सॉल्व
कर सकते हो, बिकॉज देखो यहाँ से तुम्हें कुछ करेक्ट आइडिया नहीं मिल पा रहा है, यहाँ से करेक्ट आइडिया हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंगली भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं पैराग्राफ क्वेश्चन को। चलो 117 क्लियर है, 117 क्लियर है, जल्दी बोलो 117 क्लियर है, 117 क्लियर है। चलो 118 पे आते हैं, 118 पे आते हैं, 118 पे आते हैं। चलो 118 पे आते हैं, 118 पे क्या होगा, ये हट जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, याद करो आई क्या बनेगा, आई आई मतलब आई बन जाएगा क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ओके ठीक है। उसके बाद जे और के क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा फिनॉल, क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड बनने के बाद एक बन जाएगा फिनॉल और दूसरा बन जाएगा एसीटोन, ठीक है। और उसके बाद क्या, कौन सा रिएक्शन होगा, इसके बाद कौन सा रिएक्शन होगा, जल्दी बोलो कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, जल्दी बोलो कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, जल्दी बोलो, अल्डोल, अल्डोल होगा ना, अरे बाबा अल्डोल होगा ना, याद करो अल्डोल होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो अल्डोल होगा ना, ये कीटोन है, ये हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है पानी निकल जाएगा तो क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, अल्डोल क्या हो जाएगा, अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या पूछा, आई और जे प्रोडक्ट पूछा है, तो आई तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, ओके। के और एल, के और एल के लिए तो अल्डोल, के और एल के लिए अल्डोल, तुमको के तो पता है एसीटोन बनेगा, इनफ्लेमेबल होता है, वोलाटाइल होता है, ठीक है क्लियर है, तो एसीटोन बनेगा और एसीटोन बनने के बाद क्या होगा, अल्डोल करेगा, एसीटोन बनने के बाद क्या करेगा, अल्डोल करेगा, तो अल्डोल करवा दो, अल्डोल करवा दो, ठीक है क्लियर है, के और एल अल्डोल हो जाएगा, ठीक है क्लियर है, क्या हो जाएगा तुम्हारा, अल्डोल कर लो। तो ये तुम्हारा एसीटोन कौन कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है, और कंडेंसेशन करवा रहे, हीट करवा रहे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लियर है, सी आ गया, और 118 का सी, क्लियर है सबको, जल्दी बोलो क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, तो 120 तक प्रॉब्लम सॉल्व, 120 तक, चलो 118 था, अच्छा 119 कहाँ चला गया, अच्छा 120 यहाँ है, चलो ठीक है 100 ये पैराग्राफ कर लेते हैं, फिर बाकी फिर कल करेंगे धीरे धीरे आराम से, तब तक आप और भी सॉल्व कर लोगे, एडवांस में खुद भी आपको ट्राई करना होगा। चलो 120 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करो, 120 आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो तब प्रोसीड करेंगे, 120 खुद से ट्राई करो, ठीक है समय, 120 में बहुत सारा रिएक्शन है, तुम्हारा बहुत सारा रिएक्शन है, 120 आप खुद से ट्राई करके आना, 120 से लेके हम लोग कल पूरा सॉल्व करेंगे, 240 तक सॉल्व कर लेंगे, ऑलमोस्ट पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो पूरा रिवीजन करो पार्ट के पार्ट, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है क्लियर है समय। चलो ठीक है, तो 120 क्लियर है, 120 मतलब बना के आना अच्छे से, फिर कल इसको करेंगे, तो बताओ कोई दिक्कत, कोई डाउट, तो 120 तक ही रखते हैं, 120 के बाद कल फिर करें।